हेलो गाइज, मैं उमेश चौहान। आज हम महिंद्रा की थार देखने वाले हैं जो कि मार्केट में बहुत डिमांडेबल कार है। तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इतनी डिमांडेबल है? ये अगर आप बात करें इसकी वेटिंग पीरियड की, तो वेटिंग पीरियड इस पर 1 साल का है। सबसे पहले बात करते हैं इसके वेरिएंट की, जो जिसमें वेरिएंट आते हैं AX 4 सीटर जो कि आपको पेट्रोल के साथ मिलता है और डीजल साथ दोनों के साथ। इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा जो वो है LX 4 सीटर जिसमें आपको डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी हम देख रहे हैं ये LX 4 सीटर डीजल हार्ड टॉप है। तो इसमें क्या क्या चीज़ ऑफर करती है महिंद्रा, वो चीज़ देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी लुक की। तो जब इसकी फ्रंट प्रोफाइल मिलेगी ना, वो आपको कुछ इसकी इस डिज़ाइन की मिलेगी। यहाँ पर मिल जाता है, बीच में आपको महिंद्रा का नाम मिल जाएगा, ना कि मिलेगा आपको लोगो। यहाँ पर मिलती है आपको इसकी लाइट, जो कि आपको कोई प्रोजेक्टर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलती, हेलोजन लाइट मिलती है आपको इसकी। यहाँ पर जो ग्रिल मिलेगी वो आपको देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बम्पर है वो आप काफ़ी प्रीमियमनेस दे रहा है। यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है इसके फॉग लैंप जो कि आपको हेलोजन मिलेंगे। यहाँ पे हो गए इसके टर्निंग इंडिकेटर इधर। यहाँ पे तो फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की देखने में कुछ इस प्रकार की लगती है। देखो यहाँ से जो कि देखने में ना बहुत ही प्रीमियम लगी देखने में। ये मोस्टली ऑफ रोडिंग के लिए होती है, क्योंकि ये 4x4 है अपने, ये जिसको आप 4x2 में चला सकते हो और 4x4 में भी। तो फ्रंट प्रोफाइल थार की कुछ ये है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो आपको इसकी साइड प्रोफाइल मिलेगी थार की, वो मिलती है कुछ इसकी इस डिज़ाइन की। यहाँ पर मिल जाएगा आपको इसका टर्निंग इंडिकेटर। यहाँ पर कुछ इसका ये टायर जो कि देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। बात करें इसमें टायर साइज़ की, तो मिलता है आपको 255/65R18। इसमें आपको 18 इंच टायर मिलते हैं अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पे आपको MHUK जो कि इंजन है इसका स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ORVM जिस पर आपको थार का नाम मिल जाएगा। यहाँ पे जिसका ए पिलर वो मिलेगा आपको बॉडी कलर, और बी पिलर भी आपको बॉडी कलर मिलेगा, और जो सी पिलर है वो मिलेगा आपको ब्लैक कलर का। जो डोर हैंडल है इसके वो मिलेंगे आपको इसके ब्लैक कलर के। यहाँ पे आपको नीचे एक ब्लैक कलर की बेल्ट मिल जाती है, जहाँ पे थोड़ा क्रोम का यूज हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा अपना कार में बैठने के लिए। पीछे मिल जाता है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक का। तो साइड प्रोफाइल ऑल ओवर आपको थार की कुछ ये मिलेगी। अब ये कुछ है थार की बैक प्रोफाइल, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और पीछे मिल जाता है आपको इसका स्पेयर व्हील। अब इसका टायर साइज़ की बात करें तो ये मिलता है आपको 255/65R18, यानी कि आपको सेम टायर मिलेगा, और ये स्पेयर व्हील भी आपको अलॉय व्हील के साथ मिलेगा। यहाँ पर मिल जाती है कुछ इसकी पीछे लाइट। यहाँ पे ये यहाँ पर ऊपर होगा इसमें, यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर नीचे होगी रिवर्स पार्किंग की, और यहाँ पर कुछ होगी जलने में कुछ ऐसी लाइट जलेगी इसकी। और यहाँ पर मिल जाएगा इसका लाइट में इसका थार का नाम। यहाँ पर होगी की लगाने का इंसर्ट, और यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो यहाँ से ऐसे। इसमें कुछ अपना आप ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। यहाँ से हम इसको ऊपर कर देंगे यहाँ से, इसको जो रियर ग्लास है इसका, यहाँ से देखो ये तो ये ओपन होगा, कुछ इस टाइप का लगेगा देखने में। अब इसको यहाँ से लगा देते हैं। यहाँ पर ऊपर मिल जाएगा आपको इसमें हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, और यहाँ पीछे मिल जाएगा आपको इसका डिफॉगर वाइपर वगैरह आपको इसमें नहीं मिलेगा। जिसका रियर बम्पर है वो मिलेगा कुछ आपको इसका इस डिज़ाइन का। पीछे आपको इसमें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और नाइट के लिए आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पर इसमें आपको क्रोम का यूज हुआ है। पीछे मिल जाता है इसका टोइंग जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप। तो रियर प्रोफाइल आपको थारी कुछ आपको इसकी इस डिज़ाइन की मिलेगी। अब चलते हैं कार के अंदर। उससे पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। जो आपको गाड़ी की मिलेगी वो मिलेगी आपको कुछ इसकी इस डिज़ाइन की। ये आपको फ्लिप की मिलेगी, यहाँ से आप इसका प्रेस करके इसकी की निकाल सकते हो। लॉक अनलॉक पैनिक, इसमें आपको 3 बटन मिलते हैं। ये कुछ इसकी ड्राइवर डोर है, जो कि अंदर से आपको ये सिंगल टोन कलर के साथ मिलेगी। इसमें आपको कोई भी डबल टोन कलर वगैरह का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे डोर ओपन करने का, यहाँ पे लॉक अनलॉक का, यहाँ पे ORVM एडजस्ट करने का। नीचे आपको मिल जाता है छोटा सा एक बॉटल होल्डर। यहाँ पे आपको कोई भी अपना लेदर वगैरह नहीं मिलेगा, ऑल ओवर प्लास्टिक मिलेगी आपको। यहाँ पर मिल जाता है आपको थार का नाम। तो जो इसकी ड्राइवर डोर है वो आपको इसकी डिज़ाइन की मिलेगी देखने के लिए। अब अंदर से आपको इंटीरियर की डिज़ाइन आपको इसकी ये मिलेगी देखने के लिए, जो कि देखने में ठीक लग रही है। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको इसके ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के, यहाँ पे MID के फंक्शन हो गए, यहाँ पे फ्रंट लाइट के सेटमेंट हो गए। यहाँ पर मिल जाते हैं इधर आपको AC वेंट आपको जो आपको सर्कल टाइप में मिलेंगे। यहाँ पर कुछ इसका स्टेयरिंग है जिसमें आपको बीच में मिलता है महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड मिल जाएंगे आपको म्यूजिक के कंट्रोल, और राइट साइड मिल जाएंगे आपको इसके क्रूज कंट्रोल। स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड मिल जाते हैं आपको वाइपर के कंट्रोल, और राइट साइड मिलेंगे आपको लाइट के कंट्रोल। यहाँ पे कुछ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें लेफ्ट साइड मिलेंगे आपको RPM के, और राइट साइड मिलेंगे आपको इसके स्पीडोमीटर जो कि 180 तक है। बीच मिलेगी आपको इसकी एक MID डिस्प्ले। यहाँ से ना मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार, देखो जैसे यहाँ से
यहाँ पे मिल जाता है आपको थार का नाम मिल जाएगा। ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लच है जो कि आपको ऑन होने के बाद मिलेगा। अब ना इसके एक बार फंक्शन वगैरह चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार इसके। ये कुछ फंक्शन वही बेसिक फंक्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पे मिलते हैं कुछ इसका ये म्यूजिक स्टीरियो जो कि आपको टच में मिलेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे आपको इसके। यहाँ पे नीचे मिलते हैं आपको एसी वेंट आपको इस डिजाइन के मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे आपको एसी कंट्रोल, एसी टेम्परेचर, फैन स्पीड, यहाँ पे एसी के कंट्रोल मोड वगैरह मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे हेडल लाइट का हो गया, पैसेंजर एयरबैग का हो गया यहाँ पे आपको। यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं आपको चार्जिंग का और यूएसबी का। यहाँ पे मिल जाएगा आप 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे आप फोन वगैरह कुछ रख सकते हो अपना। ये आपको 6 मैनुअल गियर ट्रांसमिशन साथ मिलेगी आपको। एक छोटा सा गियर लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है जो यहाँ पे देखो 2H 4H न्यूट्रल और 4L। जब भी आप इसको लगाओगे तो ये आपको प्रेस करके लगाना पड़ेगा। ये हो सकता है 4x4 के लिए, 4x4 4x2 में करने के लिए। यहाँ पे कुछ इसका ग्लव बॉक्स जो कि आपको बहुत छोटा सा मिलेगा। यहाँ पे आप इसको पकड़ने वगैरह के लिए पकड़ के बैठ सको अपना। यहाँ पे इधर आपको मिलते हैं एसी वेंट आपको जो आपको इस डिजाइन के। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक प्लेट जिसमें आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की नाम मिलेगा और मॉडल थार का सीरियल नंबर वगैरह कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे इसका जो IRVM वो आपको डे नाइट आपको मैनुअली मिलेगा। सनवाइजर मिलेगा आपको ड्राइवर साइड वाला ग्लास के साथ और ड्राइवर साइड वाला मिलेगा आपको नॉर्मली। यहाँ पे आपको नीचे मिल जाते हैं इसके पावर विंडो स्विच मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये हैंड ब्रेक। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको दो कप होल्डर। अब चलते हैं कार में पीछे की तरफ कि कार पीछे से देखने में कैसी है वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको इसके स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे होगी इसके पेडल, क्लच, ब्रेक और रेस के। जो ड्राइवर सीट है इसको आप हाइट एडजस्ट प्लस आगे पीछे कर सकते हो। ये आपको मैनुअल करनी पड़ेगी, हाइट एडजस्ट प्लस आगे पीछे। यहाँ पे कुछ इसकी ये रूफ है। अब चलते हैं कार में पीछे, वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको सारा व्यू। तो वे कार में पीछे जाने के लिए ना जो इसकी को ड्राइवर साइड वाली सीट है ये आपको यहाँ से आगे करनी पड़ेगी ऐसे, तब आप इसमें पीछे जाओगे यहाँ से। अब इसको मैं यहाँ से लगाता हूँ, स्पेस अगर चेक करते हो। ड्राइवर सीट है ना, मैंने अपने हाइट के रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट कर रखी मैंने। अब देखो इतना स्पेस बच रहा है पीछे। इसमें पीछे आप इसमें 4 बंदे ही बैठ सकते हैं इसमें बस ना। जो पीछे से देखने के लिए व्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको इसका इतना। ये कुछ इसके रूप डिज़ाइन वगैरह इसके। यहाँ पे इसके स्पीकर वगैरह हो गए। यहाँ पे मिलती है इधर आपको केबिन की लाइट जो कि आपको वाइट कलर की मिलेगी। यहाँ पे हो गए इसके ग्लव हैंडल जो कि आपको इस डिज़ाइन के मिलेंगे। यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अपना। यहाँ पे ना जिसके हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे फ्रंट सीट के भी और रियर सीट के भी। 4 बंदे तो बैठ सकते हैं इसमें फुल्ली कंफर्ट। जो पीछे से व्यू मिलेगा ना इसका इंटीरियर का वो देखने का इस टाइप का मिलेगा आपको। ये ना मोस्टली ऑफ रोडिंग के लिए, ऑफ रोडिंग के लिए तो है बेस्ट ही। और मैं आपको एक बार इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ। जो इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन है जो आपको इसका बॉन्ट ओपन करना पड़ेगा ना यहाँ पे मिलता है आपको इसका निशान, और वो आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा मिलता है अंदर जो कि आपको अब दिखेगा नहीं। यहाँ पे देखो जब आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे ना तब दिखेगा आपको यहाँ से वो। अब इसका हम बॉन्ट ओपन करते हैं जो कि आपको यहाँ से यहाँ पर करना पड़ेगा। ये कुछ मिलता है आपको इसका इंजन जो कि आपको 2184 cc का मिलता है डीजल इंजन। इसमें आपको पेट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है बट जो भी हम देख रहे हैं डीजल इंजन है। बात करें इसकी पावर की तो पावर मिलती है आपको इसकी 130 bhp जो कि आपको 3750 rpm पे मिलेगी। बात करें इसके टॉर्क की तो टॉर्क मिलता है आपको इसका 300 Nm जो कि आपको 1600 से 2800 rpm के बीच मिलेगा आपको। ये 4 cylinder इंजन है, ये इसका ऑल ओवर इंजन। ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन वगैरह आप नहीं मिलेगी और नीचे से आपको ये कवर्ड वगैरह नहीं मिलता है यहाँ से देखो। ये बाकी इंजन ना देखने में काफ़ी बड़ा बड़ा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी। देखो यहाँ पे इसकी बैटरी वगैरह होगी, यहाँ पे इसकी ये बात ही गाड़ी की डायमेंशन वगैरह की कि डायमेंशन क्या है। अब बात करें इसकी लेंथ की तो लेंथ मिलती है आपको इसकी 3985 mm। जो आपको इसकी विड्थ मिलेगी वो मिलेगी आपको इसके 1855 mm। जिसकी हाइट मिलती है वो मिलती है आपको इसके 1844 mm। जो सीटिंग कैपेसिटी वो मिलेगी आपको इसकी 4। जिसका ग्राउंड की लेंथ है वो मिलेगा आपको इसका 226 mm। जिसका व्हील बेस वो मिलेगा आपको इसका 2450 mm। जो फ्रंट टीयर वो मिलेगा आपको इसका 1520। और जो रियर टीयर है वो मिलेगा आपको इसका 1520। अब बात आती है कार की प्राइस की, तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो इसका 1368000 रुपये हरियाणा से। तो ऑन रोड आपको 1510000 के अराउंड पड़ेगी हरियाणा से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।